हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशंस की श्रृंखला, महत्वपूर्ण संगठनों को देख रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी IAEA के बारे में। इसमें बात करने वाले हैं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, हिंद महासागरीय तटीय क्षेत्र सहयोग संगठन है, ठीक है। याद रखिए, अभी तक आपके जितने भी संगठन ख़त्म हो चुके हैं, देख चुके हैं हम लोग, वो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस या महत्वपूर्ण संगठनों की प्लेलिस्ट सूची में डले हुए हैं। चलिए तो हम लोग बात करते हैं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। याद रखिए, यह संघ क्षेत्रीय सहयोग अंतर महाद्वीपीय व्यापार में तेजी लाने के उद्देश्य से हिंद महासागर के 3 प्रायद्वीपों एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को एक मंच पर लाते हैं। इसका सर्वप्रथम विचार आया था नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के थे 1995 में। इंडियन ओशियन रिम इनिटिएटिव के नाम से 1995 में, ठीक। फिर 1997 में, 1997 में 6 मार्च 1997 में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के नाम से स्थापित हुआ। इसमें 22 सदस्य हैं। इसमें 22 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं तो याद रखना आपको, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोज, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मॉरिशस, ओमान, सेसाइल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, सोमालिया और आपका जो 22वां सदस्य था ये मालदीव, ठीक। डायलॉग पार्टनर 9 हैं इसमें, ठीक है। कितने डायलॉग पार्टनर हैं आपका? 9, ठीक है। तुर्की रिपब्लिक ऑफ कोरिया नवंबर 2018 में बना इसका डायलॉग पार्टनर। इसका मुख्यालय जो आपका है, इसका मुख्यालय एबीन साइबर सिटी मॉरिशस में, ठीक है। मॉरिशस में इसका मुख्यालय है। इसकी आधिकारिक जो भाषा है अंग्रेजी है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। हिंद महासागर के तटीय देशों का एक अंतर सहकारी सरकारी ये संगठन है। हिंद महासागर के तटीय देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसके उद्देश्य की बात करें हम लोग तो इसके उद्देश्यों में शामिल हैं अखिल हिंद महासागरी महासागर समूह का निर्माण। इसके उद्देश्यों में शामिल हैं भिन्न भिन्न आकार तथा भाषा एवं संस्कृति वाले 3 महाद्वीपों के देशों को एक मंच पर लाना। हिंद महासागर का परिधि क्षेत्र बहुमूल्य खनिजों, धातुओं, अन्य प्राकृतिक संसाधनों, ऊर्जा की दृष्टि से संबद्ध। हिंद महासागर के परिधि क्षेत्र में व्यापार, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग के लिए एक मंच तैयार करना। इसके प्राकृतिक क्षेत्रों की बात करें हम लोग तो इसके प्राकृतिक क्षेत्रों में शामिल है समुद्री सुरक्षा, व्यापार एवं निवेश को प्रोत्साहन देना, मत्स्य प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, ब्लू इकोनॉमी, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो ये था आपका हिंद महासागर तटीय सहयोग संघ, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे ADB के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, ठीक है।